सटा मारो आवाज नहीं आउट हो सर, तुम्हारो आवाज नहीं आउट हो सर, आवाज नहीं आउट हो सर, आवाज सर नो, कदाच म्यूट थई गयो सर। सर अवाज नहीं आतो तुम्हारो, એમનો ઓડિયો ડિસેબલ થઈ ગયો છે। હજી પણ નહીં આવતો। अब बराबर है? यस सर। पहले कोई प्रॉब्लम आई थी? आवाज नहीं आ रहा था अभी। कब से? अभी तक आई नहीं आवाज सर। तुम्हारो ऑडियो सही गलो फिर से तुम्हें सेट कर दूंगा और पछि आवाज ना तो आउट हो सर। ओके चलो। लास्ट जो कांसेप्ट ऑफ बॉल वाली थ्योरी हमने पढ़ी थी उसी मेटल के अंदर सपोज हम बैटरी कनेक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा, यहाँ मैंने नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया, जहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है उस पर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसकी मोशन होगी, अंदर ये सभी फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आएंगे। लेकिन ऐसा भी होगा पहले हमने यहाँ हॉल रखा था और यहाँ इलेक्ट्रॉन, तो पहली मोशन कौन सी? फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आएंगे। डिफरेंट मेथड के हिसाब से चेक करेंगे तो सेमीकंडक्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ होल और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, होल और इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। जो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ से किसी भी एक इलेक्ट्रॉन, सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहता है तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, यहाँ होल क्रिएट होगा और यहाँ बॉन्ड फिर से एजल हो जाएगा। तो इस टाइप से मतलब बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो होल से पास होते होते पॉजिटिव टर्मिनल तक आएंगे। मतलब दो टाइप के इलेक्ट्रॉन है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन और सेकेंड बाउंड इलेक्ट्रॉन। बाउंड मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन सिर्फ होल से पास होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ होल है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, बाद में यहाँ आएगा और बाद में पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा। तो दो टाइप के इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्टली पॉजिटिव टर्मिनल जाएंगे और ऐसे भी इलेक्ट्रॉन है जो होल से पास होते होते पॉजिटिव टर्मिनल आएंगे। इसका मतलब कि टेक्स्ट में उसने लिख के दिया है कि इलेक्ट्रिक करंट जो पास होता है सेमीकंडक्टर के अंदर, इलेक्ट्रिक करंट जो पास होगा इसके लिए लिखा I is equal to IE plus IH। IE मतलब इलेक्ट्रॉन से मिलने वाली करंट जो फ्री इलेक्ट्रॉन से मिलती है, IH मतलब जो होल से पास होते होते पॉजिटिव टर्मिनल जाएंगे। अब दो चीजें, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, लेकिन होल किस ओर जाएंगे? तो नेगेटिव टर्मिनल की ओर। तो एक सेपरेट इक्वेशन दिया है और क्वेश्चन में यही बताया कि सेमीकंडक्टर के अंदर, प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कैसे पास होगा। देखो इनिशियली मैंने जब स्टार्ट किया था तो आपको पहले वो रेजिस्टिविटी और लास्ट लेक्चर के अंदर रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी की कैलकुलेशन बताई थी। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट होती है? फॉर मेटल, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, क्लियर। और उसके बाद हमने सबकी बैंड डायग्राम, एनर्जी डायग्राम कंप्लीट की थी। एनर्जी डायग्राम में बताया था कि एनर्जी डायग्राम होते हैं उसमें दो लेवल होते हैं, वैलेंस बैंड एंड कंडक्टेंस बैंड। ऐसी डायग्राम ड्रॉ की थी और ये दोनों के बीच में जो गैप होती है उसको बैंड गैप एनर्जी बताई जाती है। अब बैंड गैप एनर्जी फॉर मेटल जीरो, मेटल के लिए क्या होता है? जीरो, मतलब ये दोनों के बीच में गैप नहीं होगी। ये जो गैप है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका मतलब वो सेमीकंडक्टर है। ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब वो इंसुलेटर है। ओके, ये सब कंडीशन हमने पहले कंप्लीट कर ली है। ओके, अब बाद में पता है कि जो एरेंज बैंड है सिलिकॉन के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ये फोर जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है
और उसकी रेट में डिस्कस होती है सेंटर में जो इलेक्ट्रॉन है सॉरी सिलिकॉन है लेबर सिलिकॉन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनर सबसे कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट करेगा एब्सोल्यूट जीरो टेंपरेचर पे इस मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते इसका मतलब वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा लेकिन सपोज अब रूम टेंपरेचर पे है आज हमने एग्जांपल लिया कि सपोज इसको रूम टेंपरेचर पे लाएंगे सो 10^5 बॉन्ड ब्रेक होंगे और 10^5 बॉन्ड ब्रेक होंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे उतने होल मतलब 10^5 बॉन्ड ब्रेक हुए तो उतने इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे और जितने इलेक्ट्रॉन फ्री हुए उससे टोटल होल क्रिएट होगा मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन is equal to number density of hole is equal to ni ye pure semiconductor ke liye isliye kya likha ni okay baad mein aage jo topic continue kiya is usi metal ko battery se connect karenge jab battery se connect karenge to ek terminal positive ka ek negative hoga to electron always seedhi baat hai positive terminal ki taraf aap motion karenge to jitne free electrons hai wo sabhi free electrons positive terminal ki taraf jayenge clear aur इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल पर आएंगे तो इसका मतलब होल कहां जाना चाहिए नेगेटिव की ओर लेकिन इसमें है क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की ओर आएंगे लेकिन ऐसे भी जो इलेक्ट्रॉन है जो पॉजिटिव की ओर आने के लिए होल से पास होते होते पॉजिटिव आएंगे अब होल से पास होते होते पॉजिटिव आएंगे मतलब होल शिफ्टिंग किस तरह करेगा नेगेटिव की ओर करेगा और इससे लिखा कि सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पहले फ्री इलेक्ट्रॉन से और होल से पास होने वाले इलेक्ट्रॉन से मिलते हैं और टेक्स्ट में जो करेगा वो कंप्लीट करो इतना लिख के दिया है पेज नंबर 473 पे है डायग्राम नंबर 14.4 एंड 14.5 ये जो इक्वेशन लिखा वो दिए I is equal to I E plus I H ऐसी इक्वेशन लिख के दी होगी वो वाली थ्योरी कंप्लीट करनी है थ्योरी मिली एक्सप्लेनेशन ज्यादा होगा लेकिन कंटेंट इतना ही है कि सपोज बैटरी कनेक्ट करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कर जाएगी तो इजी बात है क्योंकि वो अट्रैक्टिव फोर्स देगा
लेकिन ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो बॉल के अंदर और वो भी नेगेटिव टू पॉजिटिव इसलिए जाएंगे, हॉल से पास होते होते जाएंगे। इस पर एग्जांपल यहां हॉल है तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, बाद में इधर जाएगा और यहां से बाहर। लेकिन इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, यहां जाएगा तो ये हॉल फिल अप हो जाएगा, लेकिन यहां हॉल क्रिएट होगा। ओके, बाद में इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया मतलब यहां हॉल क्रिएट होगा, ये हॉल फिल अप हो जाएगा, बाद में पॉजिटिव करंट बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दो तरह की इलेक्ट्रिक करंट मिली, एक ड्यू इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये जो होल्स। अब चेक करो कि इलेक्ट्रॉन यहां से उतर गया, हॉल इधर आ गया, इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया, हॉल इधर आया, मतलब हॉल की मोशन पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन की मोशन नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो आपको ये एमसीक्यू में पूछ सकते कि हॉल की मोशन किस डायरेक्शन में होगी, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे तो नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर जाएंगे। क्लियर? बाद में टेक्स्ट बुक के अंदर फिर से वो बैंड डायग्राम एक्सप्लेन करके दिया, और वो बैंड डायग्राम ओनली एंड ओनली सेमीकंडक्टर के लिए। तो इसका मतलब ये बैंड डायग्राम आपको वो लोग एग्जाम में पूछ सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि सपोज किसी भी क्रिस्टल के अंदर या किसी भी मेटल के अंदर सपोज नंबर ऑफ एटम n है, ओके, किसी सिलिकॉन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 4, तो बोलो कितने हो जाएंगे, 4n, और सपोज 4n मतलब टोटल 8n होंगे। ओके, 8n के अंदर 4n लेयर इधर बताएंगे, 4n लेयर इधर, यहां जो बताया गया वो वैलेंस बैंड, ऊपर जो बताया वो कंडक्टेंस बैंड। ओके, इनिशियली जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी वैलेंस बैंड के अंदर रहेंगे। क्लियर? ये क्या है सिलिकॉन, सिलिकॉन का मतलब बैंड गैप इज लेस देन इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बैंड गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेमीकंडक्टर के लिए बैंड गैप एनर्जी लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वैसे लिखा हूं सिलिकॉन के लिए लिखना है तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एग्जैक्ट वैल्यू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन, एंड फॉर जर्मेनियम 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यूएशन याद रखनी है, बैंड गैप एनर्जी फॉर सिलिकॉन कितना लिखेंगे, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फॉर जर्मेनियम 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो अरेंजमेंट मैंने बताया एब्सोल्यूट जीरो टेंपरेचर की, मतलब कि पूरे इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस बैंड में, ये बैंड गैप है, कंडक्टेंस बैंड पूरा खाली, ये इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि जगह है नहीं, जगह ऊपर है तो इलेक्ट्रॉन को यहां से ऊपर तक जाना पड़ेगा, और इस इलेक्ट्रॉन को यहां से ऊपर जाना तो इतनी एनर्जी चाहिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सपोज इस मेटल को एब्सोल्यूट जीरो टेंपरेचर से अपने रूम टेंपरेचर पे लाए, अब सब आप रूम टेंपरेचर पे लाएंगे तो यहां क्या होगा, सपोज इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो यहां होल क्रिएट होगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर की ओर जाएगा। एस फॉर एग्जांपल यहां से किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो ये भी ऊपर की ओर जाएगा, मतलब यहां होल क्रिएट हो गए, यहां इलेक्ट्रॉन आ गया, अभी इलेक्ट्रॉन यहां भी मोशन कर सकते हैं और यहां होल हो गए मतलब ये इलेक्ट्रॉन की भी मोशन पॉसिबल। इसका मतलब यही मैटर रूम टेम्परेचर पे कंडक्टिंग मेटल की तरह बिहेव करेगी। पहले क्या था, बैलेंस पूरा फुल था, कंडक्टेंस पूरा खाली था, ओके, लेकिन 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिली, दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर गए तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहां मोशन कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन की मोशन स्टार्ट होगी मतलब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये चीज उन लोगों ने बैंड डायग्राम से आपको ड्रॉ करके दी, डायग्राम नंबर 14.6। उसे पहली डायग्राम लिखी एब्सोल्यूट जीरो टेंपरेचर के, और सेकंड डायग्राम जो बना के दी वो लिख के दिया कि टी इज ग्रेटर देन 0 केल्विन, टी इज ग्रेटर देन 0 केल्विन। डायग्राम में आप चेक करो 14.6 में डार्क टू ब्लैक डॉट करके दिया, वो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ऊपर गया वो जगह खाली हो गई, तो व्हाइट डॉट करके दिया वो होल से। क्लियर? लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है कि बैलेंस बैंड टू कंडक्टेंस बैंड कहना था सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि उन्होंने आपको 14.1 14.2 दो टॉपिक कैंसिल करके दिए बोर्ड में, ओके, मतलब बैंड डायग्राम नहीं है, लेकिन ये सेपरेटली टॉपिक दिया तो ये बैंड डायग्राम आपको याद रखना पड़ेगा। इसके लिए ओनली एंड ओनली सेमीकंडक्टर। फिर से बता रहा हूं, इस तरह की डायग्राम के अंदर सपोज एक गैप है ही नहीं, दोनों नजदीक है, बैलेंस बैंड कंडक्टेंस बैंड दोनों नजदीक है, वो मेटल पहले से ही कंडक्टिंग मटेरियल है, एब्सोल्यूट जीरो टेंपरेचर हो या किसी भी टेंपरेचर, ये दोनों नजदीक होंगे तो एनर्जी की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रॉन कहीं भी रोटेट हो सकता है,
तो इसका मतलब क्या होगा, ये मेटल है, ये कंडक्टिंग मटेरियल है, लेकिन ये दोनों के बीच में सब गैप है, और गैप बैंड गैप एनर्जी लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मतलब वो सेमीकंडक्टर है, लेकिन ये दोनों के बीच की गैप इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, तो मतलब कभी भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, इसका मतलब वो किसी भी टेम्परेचर के लिए इंसुलेटर है। क्लियर, वो आगे वाले टॉपिक में था, लेकिन उन लोगों ने ये डायग्राम टेक्स्ट में ड्रॉ करके दिए 14.6, मतलब ये पैराग्राफ कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, कि प्योर सेमीकंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर के साथ बैंड डायग्राम में क्या चेंज होता है, तो बैंड डायग्राम में चेंज क्या होगा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे वैलेंस फुल है, कंडक्टेंस पूरा खाली है। ओके, लेकिन जैसे टेम्परेचर टी इज ग्रेटर देन 0 केल्विन, तो ये वाली अरेंजमेंट आएगी, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्टेंस में जाएंगे, फ्री मोशन कंटिन्यू हो जाएगी। है कोई डाउट इसमें? नो सर। क्योंकि आज हम पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर तक कंप्लीट करेंगे, हो सके तो आपको पढ़ना तो पढ़ लो। 14.6 डायग्राम के बाद में जो पैराग्राफ दिया वो कंप्लीट करना तो कर लो। चलो, आज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बाद डॉपिंग वाली मेथड कंप्लीट करेंगे, मतलब एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है वो आज कंप्लीट कर लेंगे। सर डन डन यस ओके। इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर। अब इसके अंदर सपोज आप, हाँ, एक सबसे पहले है कि प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हो सकती है, तो एक तो हमने चेक किया टेम्परेचर कि सपोज टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो बहुत सारे बॉन्ड ब्रेक होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, फिर हवा ब्रेक होंगे और कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, अब एक चीज और कि सपोज इसके अंदर आप बाहर से कुछ ऐसा ऐड करेंगे कि जिससे अपना इसकी कंडक्टिविटी ऐड हो जाए, मतलब इंक्रीज हो जाए। ओके, तो उसमें पता है कि बाहर से जो आप ऐड करेंगे, मतलब डॉपिंग कुछ ऐसा ऐड करोगे जिससे इसकी कंडक्टिविटी, मतलब इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज हो जाए, उसको डॉपिंग बताया जाएगा, उसे डेफिनेशन दी होगी। हाँ, तीन दो मेथड दिए, लिखा है देयर आर टू टाइप ऑफ डोपेंट यूज्ड इन द डोपिंग, द टेट्रावेलेंट एसआई सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन जर्मेनियम के पास फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ओके, सिलिकॉन के लिए क्या लिखा, जेड इज इक्वल टू 14, जर्मेनियम के लिए क्या होगा, जर्मेनियम के लिए जेड इक्वल कितना मिलेगा, पता है? 32 32 के लिए लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन का कोएफिशिएंट Z32 ना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितना होगा, 10 18। आगे रेडी रह गया, फाइव एस टू फाइव पे सिक्स, ऐसा होगा, सिक्स नहीं होगा, टू होगा मेरे ख्याल से, चेक करो कितना होगा, 10।
सर थ्री डी नहीं थी डी थर्ड से होगा ना वन एस टू टू एस टू टू सिक्स थ्री डी टेन फोर एस टू चलो ये टेन ट्वेंटी थर्टी कुछ प्रॉब्लम हो रही है माइनस टू टू एस टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स थर्टी टेन थर्टी टू चाहिए ना तो ये टेन तो यहाँ फोर थोड़ी आएगा एस पी थ्री कॉम्बिनेशन आना चाहिए एस पी थ्री में होना चाहिए सिलिकॉन जर्मेनियम दोनों के लिए एस पी थ्री होता है एक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होगा गलती कहाँ हो रही है फोर पी टू आओ सेंट क्या वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स एन हो गया थ्री एस टू थ्री एस टू थ्री पी सिक्स डेन थ्री पी टेन ये कितना होगा 28 क्या बताया सबसे पहले टाइप बताया डॉपिंग के अंदर वो पेंटावेलेंट सबसे पहले उसने बताया इसके अंदर हम पेंटावेलेंट रखें वो भी डिपेंड ऑन जो मेटल के अंदर आपको ऐड करना है उसकी वॉल्यूम क्या है उसकी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन के उस पर डिपेंड करता है ओके डॉपिंग जो है जो प्योर इंट्रिंसिक मतलब सेमीकंडक्टर के है उसमें डॉपिंग जो रखी जाए उसे साइज और शेप पे डिपेंड करता है एज फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले बताया उसने पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट क्योंकि सिलिकॉन जर्मेनियम टेट्रावेलेंट है सिलिकॉन जर्मेनियम टेट्रावेलेंट है तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक के अंदर नंबर वन करके लिखा पेंटावेलेंट वैलेंसी फाइव लाइक आर्सेनिक एंटीमनी एंड फास्फोरस ये अंडरलाइन करो तीन ऑप्शन ही दिए मतलब फोर्थ नंबर जो भी आएगा वो नहीं है एमसी ने बताया कौन सा पेंटावेलेंट नहीं है आर्सेनिक एंटीमनी एंड फास्फोरस वो पेंटावेलेंट जिसके पास फाइव फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ओके बाद में सेकंड नंबर ट्राइवेलेंट लाइक इंडियम बोरॉन एंड एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट लाइक इंडियम बोरॉन एंड एल्यूमिनियम इसके पास थ्री इलेक्ट्रॉन्स अभी अरेंजमेंट हम कंप्लीट करेंगे सबसे पहले हम पेंटावेलेंट रखेंगे और उसके बाद ट्राइवेलेंट रखेंगे चेंज क्या होगा वो चेक करेंगे एस फॉर एग्जांपल ये सभी सिलिकॉन अभी सिलिकॉन के बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट होंगे और सिंगल इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप से होगा जो पहले डायग्राम थी वही डायग्राम होगी लेकिन सपोज एक रेशियो से लेंगे कि सपोज 10^6 सिलिकॉन के बीच एक आर्सेनिक ऐड करेंगे 10^6 सिलिकॉन के बीच सिंगल आर्सेनिक एज फॉर एग्जांपल ये आर्सेनिक
और सब सिटी करोगे तो एक एक बॉन्ड और एक एक आपको इलेक्ट्रॉन ऐसे बॉन्ड में मिलेंगे। ओके लेकिन एक चीज और, ये आर्सेनिक है इसके मतलब उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स नेबर सिलिकॉन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप से कोवेलेंट बॉन्ड में यूज हो जाएगा। आर्सेनिक जो है वो पेंटावेलेंट है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्सेस है। अब डायग्राम में चेक करो, सभी जगह प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर लिखा है लेकिन यहाँ उसने प्लस 5 लिखा है। प्लस 5 का मतलब क्या हुआ, उसके पास 5 फ्री इलेक्ट्रॉन है। मैंने लिखा 10^6 सिलिकॉन के बीच में एक आर्सेनिक। ओके ज्यादा से ज्यादा कंडक्टिविटी वाली जो मेटल है उसे कॉपर लगा दो। कॉपर में 1 मोल में इलेक्ट्रॉन, 1 मोल के अंदर इलेक्ट्रॉन 10^23 होते हैं, 10^23। ओके लेकिन सपोज आप 10^6 सिलिकॉन के बीच में एक आर्सेनिक रखेंगे, सो इन 1 मोल 10^17 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका मतलब एक मोल के अंदर 10^17 आर्सेनिक होंगे। लेकिन रेशियो क्या होता है, 10^6 सिलिकॉन के बीच में सिंगल आर्सेनिक रखना है। फिर भी पूरा मेटल एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, कंडक्टिंग मेटल की तरह बिहेव करेगा। क्यों, जितने आर्सेनिक है उतने इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो इसके अंदर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के एलिमेंट है तो भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। क्यों, आर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और आर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक इलेक्ट्रॉन के पास फ्री रहेगा। और जितने आर्सेनिक है, जितने इसमें आर्सेनिक है उतने इलेक्ट्रॉन पहले से ही मेटल के पास रहेंगे, मतलब वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी कंडक्टिंग मेटल की तरह बिहेव करेगा। क्लियर। तो पहले जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया था प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं था, मतलब वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता था, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता। लेकिन जब हमने आर्सेनिक ऐड किया, सो आर्सेनिक पेंटावेलेंट है, मतलब उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में यूज हो जाएंगे, लेकिन सिंगल जो इलेक्ट्रॉन है वो बाकी रहेगा और वो डोनर मतलब डोनर डोपेंट के तौर पे यूज होता है। डोनर इसलिए कि सपोज सिलिकॉन के अंदर आपने आर्सेनिक ऐड किया तो सिलिकॉन एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी आर्सेनिक एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन को डोनेट करेगा। चेक करो एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक के हिसाब से किसके पास है, सिलिकॉन के पास है। ओके सिलिकॉन के पास तो डिफरेंट 4 इलेक्ट्रॉन ही है तो सभी बॉन्ड में यूज होंगे, लेकिन आपने 10^6 इलेक्ट्रॉन के बीच में एक आर्सेनिक रखा तो जितने आर्सेनिक है उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब एक चीज और, सपोज इस मेटल के लिए हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसको रूम टेम्परेचर पे लाएंगे। अब रूम टेम्परेचर पे लाएंगे तो सपोज 10^7 बॉन्ड ब्रेक होते हैं, 10^7 बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। पहले एक चीज से 10^7 बॉन्ड ब्रेक होंगे तो जितने बॉन्ड ब्रेक हुए उतने इलेक्ट्रॉन बनेंगे और उतने होल्स बनेंगे। लेकिन चेक करो कि इस क्रिस्टल के अंदर पहले से कितने इलेक्ट्रॉन तो है, इन वन मोल में पहले से इतने तो थे, बाद में बॉन्ड ब्रेक हुए तो इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन 10^17 प्लस 10^7 इतने होंगे। ओके और नंबर ऑफ होल्स कितने होंगे, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, 10^6 सिलिकॉन के बीच में एक आर्सेनिक रखा तो इन वन मोल 10^17 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कब, जब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर था, पहले से जितने आर्सेनिक है उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। अब मैंने इसकी टेम्परेचर इंक्रीज की रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे आने से 10^7 बॉन्ड ब्रेक होंगे तो जितने बॉन्ड ब्रेक होंगे इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे उतने ही होल क्रिएट होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे उतने क्या बनेंगे, होल क्रिएट होंगे। इसका मतलब होल कितने होंगे, ओनली 10^7, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे तो पहले 10^17 तो थे ही, बॉन्ड ब्रेक होने से 10^7 और क्रिएट होंगे, इसका मतलब 10^17 प्लस 10^7। तो चेक कर सकते हैं कि जहां आप आर्सेनिक ऐड करेंगे वहां नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर डेंसिटी ऑफ होल। इसका मतलब इस सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इज द इलेक्ट्रॉन,
बट माइनॉरिटी चार्ज इधर से फॉल, मतलब इस मैटर के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, इसके सामने हॉल बहुत कम है, नहीं ऐसा नहीं बता सकता, हॉल होंगे लेकिन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नंबर डेंसिटी ऑफ हॉल। ओके, तो इसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज करेंगे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज बता दे, और इसलिए इस टाइप के सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर लिखा गया। ये शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है एन टाइप सेमीकंडक्टर एक्सप्लेन करना। ओके, तो उन लोगों ने टेक्स्ट बुक के अंदर पूरा ये एक्सप्लेन करके दिया है एन टाइप सेमीकंडक्टर प्लस फाइव, मतलब डायग्राम नंबर 14.7। एक काम करो एन टाइप सेमीकंडक्टर वाली जो पैराग्राफ है कंप्लीट करो, एन टाइप सेमीकंडक्टर वाली पैराग्राफ कंप्लीट करो।
कंप्लीट हुआ बाकी अभी कोई एक चीज और भी लिखी होगी जो आपने अंडरलाइन करके ये जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है वो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है तो उसने लिखा है कि फॉर सिलिकॉन 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फॉर जर्मेनियम 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी जरूरत है लेकिन ये तो नॉर्मली मिलती है अपने आप फ्री हो जाएगा लेकिन जो बैंड गैप मतलब बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन बाहर लाना है तो बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन बाहर तो सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जरूरत पड़ेगी क्लियर तो इस तरह से हम लोगों ने ये लिख के दिया है फिफ्थ इलेक्ट्रॉन को बाहर लाना है ओके एक चीज और ये जो मैंने ऐड किया था वो पेंटावेलेंट था इंप्योरिटीज जो रखी थी मैंने वो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी अब सपोज ट्राइवेलेंट रखे ट्राइवेलेंट मतलब एल्यूमिनियम क्या क्या लिख दिया था ट्राइवेलेंट के अंदर फिर से बताओ ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज कौन सी थी एल्यूमिनियम बोरॉन इंडियम और बोरॉन सपोज यार एल्यूमिनियम ऐड कर रहे हम एल्यूमिनियम ऐड करेंगे देखो इसी डायग्राम में चेंज करो आखिरी जगह मैंने एल्यूमिनियम कर दिया अब एल्यूमिनियम के पास तो ओनली 3 इलेक्ट्रॉन इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में यूज होंगे एक जगह हॉल क्रिएट होगा एक जगह हॉल क्रिएट होगा तो काम क्या किया गया कि पूरे सेमीकंड मतलब सिलिकॉन के अंदर 10^6 सिलिकॉन के बीच में एक एल्यूमिनियम रखा तो वन मोल अंदर 10^17 होल्स होंगे क्यों 10^6 सिलिकॉन के बीच में एक एल्यूमिनियम अब एल्यूमिनियम के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन ही थे 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में यूज हो गए एक जगह खाली रह गई हर बॉन्ड के अंदर एक जगह जितने एल्यूमिनियम है उतने बॉन्ड के अंदर एक होल क्रिएट होगा अपने आप क्रिएट होगा क्यों इसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब 1 मोल के अंदर 10^17 होल बनेंगे 10^17 अब 10^17 होल पहले से ही कब जब एब्सोल्यूट जीरो टेंपरेचर है तब एब्सोल्यूट जीरो टेंपरेचर पे ही इसके ऊपर 10^17 होल है ओके जब बात जो मैंने टेंपरेचर इंक्रीज किया टेंपरेचर इज ग्रेटर देन 0 केल्विन जब टेंपरेचर इंक्रीज किया तो वही रखता हूं मैं सपोज 10^7 बॉन्ड ब्रेक हुए अब 10^7 बॉन्ड ब्रेक होंगे किससे इस टाइप के एनर्जी से जितने इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक होंगे ओके उतने होल भी क्रिएट होंगे तो 10^17 इलेक्ट्रॉन बनेंगे उतने होल बनेंगे तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे तो 10^7 बट नंबर ऑफ होल कितने होंगे तो पहले 17 तो थे ही बॉन्ड ब्रेक होने से और 10^7 तो इसका मतलब इस क्रिस्टल के अंदर या सिलिकॉन के अंदर अब टोटल नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हो गए लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या होगी कम नंबर ऑफ होल्स की वैल्यू क्या होगी ज्यादा NH की वैल्यू ज्यादा होगी लेकिन Ne की वैल्यू कम इसका मतलब इस सिलिकॉन या इस सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल है बट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे इलेक्ट्रॉन इसका मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ होल इज ग्रेटर देन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अब नंबर डेंसिटी ऑफ होल ज्यादा है होल तो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है तो फर्स्ट लेटर से उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर ऐसा बताया जाएगा क्या लिखा जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर तो चेक करो कि सेकंड उसने डायग्राम जो कंप्लीट करके दिया 14.8 वो पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए है चलो इतना कंप्लीट कर दो
एंटेल सेमीकंडक्टर में पता चल जाएगा तो पी में ज्यादा कुछ है ही नहीं, सिर्फ इंप्योरिटी जो है वो चेंज करनी है, आर्सेनिक की जगह आपको एल्युमिनियम रखना है, आर्सेनिक पेंटावेलेंट है, एल्युमिनियम ट्राइवेलेंट है और सिलिकॉन जर्मेनियम वो टेट्रावेलेंट होते हैं, तो अपने आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। पेंटावेलेंट रखेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, मतलब वो मेजोरिटी चार्ज कर होगा और माइनॉरिटी चार्ज कर होगा, ओके। लेकिन सपोज आपने एल्युमिनियम रखा वो ट्राइवेलेंट है, इसका मतलब नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। एक चीज और भी हो सकती है कि दोनों के बीच का डिफरेंस डिस्टिंग बिटवीन पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड टाइप सेमीकंडक्टर क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहले पी टाइप लिखेंगे ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज ऐड करेंगे, कौन कौन सी लिखना है तो लिख सकते हैं, वरना सिर्फ इतना स्टेटमेंट लिखना है ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज ऐड करेंगे, ओके। उसमें क्या लिखेंगे, पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज ऐड करेंगे। सेकंड पॉइंट में पहले पी टाइप का मेजॉरिटी चार्ज कैरी इज अ होल, एन टाइप में क्या लिखेंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरी इज अ इलेक्ट्रॉन, ओके। थर्ड कि Ne is sorry hol के लिए लिखते हैं NH is greater than Ne, number density of hol is greater than number density of electron, और n type में number density of electron is greater than number density of hol, okay। ये भी लिख सकते हैं majority p type में लिखना तो लिख सकते हैं majority electricity due to holes, p type majority electricity जो मिलेगी due to hole, और इसमें क्या लिखेंगे n type में electricity मिलेगी होगा वो पहले एक्सप्लेन किया, बाद में डॉपिंग की मेथड क्या है तो वो एक्सप्लेन हुई, और इसके दो टाइप मिली पी टाइप और एन टाइप, और भी एक टॉपिक बाकी है नेक्स्ट में कंप्लीट करेंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए एनर्जी बैंड गैप एनर्जी डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, एनर्जी लेवल जो डायग्राम है वो कैसे कंप्लीट होगा और पी टाइप के लिए किस तरह से होगा। पहले पूरी थियरी कंप्लीट कर देते विद एग्जांपल क्या क्या पॉइंट्स लिखे, बाद में उसके लिए भी एनर्जी लेवल वाली डायग्राम है पी टाइप और एन टाइप, ये हो जाएगा मतलब पूरी थियरी टोटली कंप्लीट हो जाएगी। सेकेंड चीज और इलेक्ट्रॉन और होल जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो इलेक्ट्रॉन और होल क्रिएट तो होते हैं लेकिन वो फिर से कंबाइंड भी हो जाता है, रीजॉइनिंग मेथड भी है, ओके, या रिकॉम्बिनेशन की मेथड भी है, तो इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट भी होते और रिजॉइन भी होते। हमने देखा कि सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, सपोज ये होल है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये रिजॉइन हो गया लेकिन यहाँ होल क्रिएट होगा, वो जो रेशियो किस पे डिपेंड करता है। ऐसे दो तीन टॉपिक स्मॉलर मतलब बैंड डायग्राम फॉर एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर एन टाइप एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर पी टाइप रिकॉम्बिनेशन रेशियो ये तीन पॉइंट्स कंप्लीट करेंगे मतलब एन और पी टाइप कंप्लीट हो जाएगा। और बाद में जो टॉपिक दिया पीएन जंक्शन डायोड वो टेक्स्ट में सबसे मतलब चैप्टर के अंदर सबसे लंबी है, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स पीएन जंक्शन डायोड पे है क्योंकि गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक के हिसाब से ट्रांजिस्टर टॉपिक है ही नहीं। आपको जो लिस्ट पीडीएफ वाली सेंड की थी वो टेक्स्ट बुक में नहीं, मतलब गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट में ट्रांजिस्टर के टॉपिक है ही नहीं। हाँ नो डाउट की इंग्लिश मीडियम की बुक के अंदर या एनसीईआरटी की बुक के अंदर वो है, लेकिन वो पूरा टॉपिक पहले से जब से सिलेबस आया एनसीईआरटी वाला तब से वो ट्रांजिस्टर वाली टॉपिक नहीं, बाद में लॉजिक गेट वाली टॉपिक होगी, ओके। तो आज इतना ही रखेंगे और जो भी होगा वो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा जो लिखना है वो, क्लियर? ओके सर, गुड डे। ओके डे।